हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा कुछ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस सभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए हाईली यूजफुल रहेंगे। तो इन पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। इसमें मैं 10 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस इस समय किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। अनअकैडमी पर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा रेफरल कोड दिया है और इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन लिंक्स के थ्रू अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चंस हैं और ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेंटेंस दिया है और एक दिया है यहाँ पर ये बोल्ड में ये वर्ड दिया है। अब इस वर्ड को किन किन वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं आप, ये इसमें करना है और इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर आपका आंसर बनेगा। डिस्पाइट हिज मैनी अचीवमेंट्स ही रिमेन्ड हम्बल एंड अनअज्यूमिंग विद ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। देखिए, हम्बल और अनअज्यूमिंग का मतलब एक ही होता है। अनअज्यूमिंग का मतलब होता है अनप्रिटेंटियस, यानी जो शो ऑफ नहीं करता, जो घमंड नहीं करता, जो डाउन टू अर्थ है, जो हम्बल है। ठीक है, तो मॉडेस्ट, डेफिनेटली इसको हम मॉडेस्ट भी बोल सकते हैं और अनप्रिटेंटियस भी बोल सकते हैं, जो प्रिटेंड नहीं करता। अनप्रिटेंटियस मतलब जो प्रिटेंड नहीं करता कुछ और बनने का, जो वो है नहीं। ठीक है, तो अनअज्यूमिंग और अनप्रिटेंटियस का मतलब सेम ही होता है। तो इसमें मॉडेस्ट आ सकता है और अनप्रिटेंटियस आ सकता है। ग्रीगेरियस नहीं आएगा। ग्रीगेरियस हम ऐसे देखिए, एनिमल्स के लिए यदि आप बोलना चाहते हैं ग्रीगेरियस, तो इसका मतलब होगा ग्रुप में रहने वाला। और यदि ह्यूमन बीइंग के लिए बोलना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा सोशल, जो सोशेबल है, जो लोगों से मिलता जुलता है, फ्रेंडली है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड जो हैं ये अनअज्यूमिंग से रिप्लेस हो सकते हैं, मॉडेस्ट एंड अनप्रिटेंशियस। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको करना है। इसमें मैंने वर्ड एक्सचेंज के कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। इन द कमिंग वर्ल्ड कप सीजन यू वुड फाइंड मैनी पीपल ऑन द एज ऑफ देयर सीट्स रूटिंग फॉर देयर फेवरेट प्लेयर्स। रूटिंग फॉर का मतलब क्या है? रूटिंग फॉर का मतलब होता है सपोर्ट करना उनको, ठीक है। लेकिन बैकिंग का मतलब भी वैसे सपोर्ट होता है, बैकिंग, लेकिन बैकिंग के साथ आप फॉर नहीं लगाएंगे, बैकिंग फॉर, बैकिंग देयर फेवरेट प्लेयर्स, ठीक है। तो सपोर्ट यहां पर आ सकता है। एडवोकेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को प्रमोट करना, ठीक है। बैकिंग हो सकता है, लेकिन बैकिंग के साथ चूंकि फॉर लगा है तो आप बैकिंग फॉर देयर फेवरेट नहीं बोल सकते, क्योंकि बैकिंग के साथ आप फॉर नहीं लगाएंगे, सपोर्टिंग आप बोल सकते हैं। तो इसमें आंसर होगा आपका फोर्थ, ओनली फर्स्ट। तो देखिए कितना कंफ्यूजिंग ये सेंटेंस था, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अ हाई वोल्टेज वायर स्नैप्ड एंड फ्लैल ऑन द बिजी रोड ऑन मंडे आफ्टरनून एंड पेडिस्ट्रियंस एंड मोटरिस्ट हैड ए प्रोविडेंट एस्केप। यानी एक तार था, एक वायर था, वो खिंच गया और रोड पर आ गया वहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी सारे पेडिस्ट्रियंस थे जो रोड पर चल रहे थे और काफ़ी सारे मोटरिस्ट थे, उनको वो एक किस्मत से, एक फॉर्चुनेट एस्केप था, वो किस्मत से वो बच गए। तो प्रोविडेंशियल एस्केप के स्थान पर हम फॉर्चुनेट गेटअवे लगा सकते हैं, किस्मत से वो बच गए, और फॉर्चुटियस भी हम लगा सकते हैं। प्रोविडेंट सेव नहीं बोल सकते, प्रोविडेंट सेव नहीं बोल सकते, प्रोविडेंशियल एस्केप बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चंस बैंक पीओ में और बैंक क्लर्क में डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं, ही कॉन्स्टेंटली रिमाइंड्स अस दैट व्हेन वी फेल टू स्लीप वेल एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ गोज हे वायर। मतलब जब हम अच्छे तरीके से सो नहीं पाते हैं, हमें नींद नहीं आ पाती है, तो पूरी लाइफ हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। गोज हे वायर का मतलब यही है कि डिसऑर्गेनाइज हो जाती है और पूरी तरीके से कैओटिक हो जाती है वो। तो गोज बॉन्कर्स हम बोल सकते हैं, गोज बॉन्कर्स, और बिकम्स कैओटिक, डेफिनेटली ये भी सही है। तो सेकेंड और थर्ड हम बोल सकते हैं। बिकम इम्प्यून का मतलब तो क्वेश्चन करना होता है, तो बिकम्स इम्प्यून नहीं आएगा। सेकेंड और थर्ड हम लगा सकते हैं यहाँ पर, और सेकेंड और थर्ड दिया है फोर्थ में, तो इसका आंसर होगा आपका फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट एनी बुलेट प्रूफ गियर द मैन वुड बी सिटिंग डक्स फॉर द एनिमी बिकॉज द एनिमी, फॉर का मतलब यहाँ पर बिकॉज है, बिकॉज द एनिमी हैज़ एक्वायर्ड इनफ एम्यूनिशंस ऑलरेडी। मतलब यदि
बुलेट प्रूफ गियर के बिना कहीं पर आप बैठे हैं तो आप वल्नरेबल हैं, आप पर कोई भी अटैक कर सकता है क्योंकि एनिमी के पास सफिशियंट एम्यूनिशन है। तो सिटिंग डक का मतलब होता है वल्नरेबल, मतलब इजी टू अटैक, उस पर अटैक हो सकता है। तो वल्नरेबल बोल सकते हैं हम इसको, और इजी टारगेट बोल सकते हैं, गलीबल नहीं बोल सकते। गलीबल का मतलब है जिसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जो सीधा साधा है, जो नाइव है, दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड क्वाइट इजीली। तो वल्नरेबल एंड इजी टारगेट यानी सेकेंड एंड थर्ड हम इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा आपका फर्स्ट, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड। देखिए ये वर्ड एक्सचेंज के क्वेश्चन हैं, और इस सेंटेंस में चार वर्ड दिए हैं और चार वर्ड के पेयर को आपको एक्सचेंज करना है, हो सकता है ये वर्ड्स गलत हो। तो यहां से हम देखते हैं, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग नॉलेज इज विटनेसिंग अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ ओइंग टू द स्पीडिंग रेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन एंड इट्स अप्रोप्रिएशन इन एवरीडे लाइफ। दस इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी बिजनेस लीडर्स एंड ए वर्कफोर्स। यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड क्या आ सकता है? देखिए इम्पोर्टेंट की जगह हम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डेवलप, इम्पोर्टेंट नहीं है ये अर्जेंट है, ये इसेंशियल है। तो इस जगह अगर हम इम्पेरेटिव लगाएं तो ज़्यादा सही होगा। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं एप्रोप्रिएशन, इसमें मिस अनएप्रोप्रिएट वर्ड है। इसके स्थान पर यदि हम एडॉप्शन लगाएं तो अडॉप्शन इन एवरीडेज लाइफ, इसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं एवरीडे लाइफ में। और यहाँ पर इम्पेरेटिव, ये दो वर्ड यहाँ पर इसकी जगह आना चाहिए। और स्पीडिंग की जगह हम एक्सीलरेटिंग बोल सकते हैं। और मीटियोरिक क्या होता है? मीटियोरिक मतलब सडन एंड रैपिड, तो सडन एंड रैपिड के लिए मीटियोरिक सही वर्ड है। तो इसमें अनएक्सपेक्टेड के स्थान पर हम मीटियोरिक लगा सकते हैं। तो थर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स में, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन देखते हैं, अ सेंचुरी आफ्टर द May 4th मूवमेंट अ स्टूडेंट अपराइजिंग दैट सॉ वेस्टर्न डेमोक्रेसी एंड साइंस इमर्ज एज द टेम्पलेट फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न चाइना, द वेस्ट इज फास्ट लूजिंग इट्स सॉफ्ट पावर ग्लीम। तो यहां पर देखिए क्या हो सकता है, अ सेंचुरी आफ्टर द May 4th मूवमेंट अ स्टूडेंट अपराइजिंग, मतलब स्टूडेंट का जो मूवमेंट था दैट सॉ वेस्टर्न डेमोक्रेसी एंड साइंस इमर्ज, ये भी सही है यहाँ पर, एज द टेम्पलेट फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न चाइना। मतलब एक यहाँ पर अपराइजिंग हुई स्टूडेंट की तरफ से, और वो एक स्पेसिमेन था, एक टेम्पलेट था राइज ऑफ मॉडर्न चाइना के लिए, ठीक है। द वेस्ट इज फास्ट लूजिंग इट्स सॉफ्ट पावर ग्लीम, ग्लीम का मतलब होता है चमक, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आपका जो आंसर होगा वो होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, सारे जो वर्ड्स हैं इसमें ये सूटेबल हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर स्टूडेंट्स आर, एट द एंड ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर स्टूडेंट आर। देखिए एकेडमिक ईयर के बाद क्या होता है, एग्जाम्स होते हैं। तो एग्जाम्स में स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं? स्टूडेंट्स आर कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड का मतलब तो अट्रैक्टिव होता है, मतलब किसी चीज़ से आकर्षित होना। तो कैप्टिवेटेड नहीं आएगा, कैप्टिवेटेड इन रिगरस प्रिपरेशन, रिगरस वैसे सही है यहाँ पर, रिगरस मतलब जिसमें मेहनत बहुत लगती है। तो इसमें देखते हैं कैप्टिवेटेड तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि स्टडीज से स्टूडेंट कैप्टिवेटेड नहीं होते, वो स्टडीज में इंग्रॉस रहते हैं, और इंग्रॉस के साथ प्रपोजिशन इन भी आता है। तो इंग्रॉस यहां पर सही होगा, इंग्रॉस इन इंटेंसिव प्रिपरेशन। देखिए एक होता है रिगरस प्रिपरेशन और एक होता है इंटेंसिव प्रिपरेशन, और यहां पर आ जाएगा ओवर एबंडेंस और प्लेथोरा, प्लेथोरा मतलब काफी सारे, काफी ज्यादा, प्लेथोरा ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड विच पुट्स इनॉर्मस स्ट्रेस, ठीक है। तो यहां पर ये जो ऑप्शंस हैं इसमें ये अप्रोप्रिएट हैं, प्लेथोरा मतलब काफी सारा, काफी ज्यादा, काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए यूज कर सकते हैं, इनॉर्मस, इंटेंसिव और इंग्रॉस। इंग्रॉस के बाद यहां पर इन भी आता है, तो उस हिसाब से भी ये वर्ड सही है आपका। तो थर्ड यहां पर आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द यूएन रिपोर्ट ऑन द लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी स्टेटिंग दैट ओवर अ मिलियन स्पीसीज वर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी हैज प्रॉम्प्टेड नियरली 600 कॉन्जर्वेशन एक्सपर्ट्स टू साइन एन ओपन लेटर कॉलिंग ऑन वर्ल्ड लीडर्स
टू एड्रेस डिफॉरेस्टेशन एंड प्लास्टिक वेस्ट। देखिए रिपोर्ट में किसी चीज़ को स्टेट किया जाता है तो ये सही है, ठीक है। अब ह्यूमन एक्टिविटी इज रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ प्रॉम्प्टेड, मतलब उनको बोला है, उनको इनकरेज किया है, तो यहाँ पर ये वर्ड सही है, ये वर्ड सही है। कॉलिंग ऑन वर्ड्स, वर्ड से बोलना पूरे संसार में इस चीज़ को प्रचारित करना, ये सही है। और जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसकी वजह से काफ़ी सारी स्पीसीज एक्सटिंक्शन की वर्ज पर पहुंच गई हैं, एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, तो सही है ये क्वेश्चन, इसमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आंसर होगा आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसमें हम देखते हैं एवरी वन फाइंड सर्टेन टास्क बर्डनसम बट लॉयटरर्स टेंड टू पुट ऑफ। लॉयटरर का मतलब होता है इधर उधर घूमने वाले लोग, आवारागर्दी करने वाले लोग, उनको हम बोलते हैं लॉयटरर्स। तो लॉयटरर नहीं आएगा यहाँ पर। देखिए एवरी वन फाइंड सर्टेन टास्क बर्डनसम, मतलब हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे काम होते हैं जो उनको बर्डनसम लगते हैं, बट लॉयटरर्स टेंड टू पुट ऑफ हॉस्टाइल टास्क। नहीं, हॉस्टाइल टास्क नहीं होगा यहाँ पर, हम लगा सकते हैं आर्डुअस हो सकता है, पेनस्टिकिंग हो सकता है, इसमें हम फोर्थ लगा सकते हैं। देखिए ऑनरस और बर्डनसम एक ही होता है, और उसके बाद हम बोल सकते हैं बट प्रोकेस्टिनेटर, प्रोकेस्टिनेटर मतलब काम को टालने वाले, तो प्रोकेस्टिनेटर्स पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब ही टालना होता है, प्रोकेस्टिनेटर पुट ऑफ एवर्सिव टास्क जिनको वो डिसलाइक करते हैं बिकॉज दे फील गुड फॉर ए शॉर्ट वाइल व्हेन दे पोस्टपोन देम। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, इसमें फोर्थ ऑप्शन इसमें इस क्वेश्चन में एकदम सही है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको करना है, और इन क्वेश्चंस के लिए लेकिन वोकैबुलरी थोड़ी सी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इस वीडियो क्लास में मैंने 10 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और आगे के कुछ क्वेश्चंस मैं आगे की वीडियो क्लासेस में अपलोड करूंगा। और यदि आप अनअकैडमी में मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी दो क्लासेस चल रही हैं मेरी बैंकिंग के लिए, एक 11 बजे और एक 1 बजे, तो इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और ये है मेरा रेफरल कोड, इस रेफरल कोड को लेके आप 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं और मेरी लाइव क्लासेस भी अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर मेरे वीडियोस इस तरीके से आते रहेंगे, तो उनसे उनसे भी आप बेनिफिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।